तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम कंप्लीट करने वाले हैं एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो जैसे कि हमने वेलोसिटी पढ़ा था, स्पीड पढ़ा था, उसी तरह जो एक्सेलरेशन होता है उसके अंदर टाइप्स होते हैं। एक तो होता है एवरेज एक्सेलरेशन और एक होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और दो होते हैं जो होते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो आज हम उसी को स्टडी करने वाले हैं। तो पहले लिख लेते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है। तो आपका जो एक्सेलरेशन है इसका मतलब होता है, एक बार रिकैप करते हुए चलेंगे, हमने जब स्पीड पढ़ा था, स्पीड का मतलब क्या था? चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बराबर इन एनी डायरेक्शन, डायरेक्शन कंसर्न नहीं था स्पीड में बराबर। फिर हमने वेलोसिटी देखा था, वेलोसिटी में हमने क्या पढ़ा था? चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये हो गया था वेलोसिटी। अब एक्सीलरेशन क्या होता है? ये हमें बताता है कि हम कितना वेलोसिटी को चेंज कर रहे हैं। आया बात समझ में? पर यूनिट टाइम में हम कितना वेलोसिटी को चेंज कर रहे हैं। डन। तो एक्सीलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, इसको ना और बढ़िया से लिखते हैं, चेंज इन वेलोसिटी नहीं लिखते, रेट ऑफ, आपका बुक का डेफिनेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ये होता है आपका एक्सीलरेशन कि कितना वेलोसिटी चेंज हो रहा है पर यूनिट टाइम में। ये बातें क्लियर है? अब इसको ज़रा समझते हैं। डन। अब इसको समझने के लिए पहले हम हमारा जनरल केस ले लेते हैं इसका फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए। हमने माना कि यहाँ पे एक ए बंदा था, मतलब आप ही हो मान लो। आपने क्या किया? आपने सम सॉर्ट ऑफ 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया। यहाँ पे जब आप थे टाइम ज़ीरो था, आपका पोजिशन ज़ीरो था, आपने 1 सेकेंड में ये डिस्टेंस कवर कर लिया। ये बातें क्लियर है? फिर टाइम बीता, आप फिर अगले एक और सेकंड में, दैट इज जब टाइम 2 सेकंड हुआ, तब आप यहाँ पे 20 मीटर डिस्टेंस पे थे। ए मान लेते हैं, बी पोजीशन आया था आपका, यहाँ फिर आप चले गए ए वाले पोजीशन पे, सी पोजीशन पे, फिर आप चले गए डी पोजीशन पे। डी पोजीशन कितना था? ए था तुम्हारा 30 मीटर, और जब अब तुम यहाँ पे पहुँचे थे तब टाइम हो चुका था 3 सेकेंड्स। यहाँ तक बातें क्लियर है? अब हम यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं। डन। तो फर्स्ट एक्सेलरेशन के लिए क्या चाहिए? हमें वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी निकालते हैं, तो मैं दो ही इंटरवल में, तो मैं यहाँ पे पहले वेलोसिटी निकालना चाहता हूँ कि इस जब यहाँ से यहाँ तक गए थे तब हमारा वेलोसिटी कितना था, लेट्स से v1 था। तो v1 निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे कि ये क्या होता है, चेंज इन पोजिशन इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो वो किस डायरेक्शन में? इस तरफ जा रहा हूँ, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में, ब्रैकेट के अंदर। अभी जब मैं यहाँ पे पहुँच गया, बी पोजिशन में पहुँच गया, तो मेरा पोजिशन कितना है? 10 मीटर है। पहले जब मैं यहाँ पे था, ज़ीरो था मेरा पोजीशन, डिवाइडेड बाय यहाँ पे जब पहुँचा, टाइम कितना हुआ था? 1 सेकेंड। पहले टाइम था 0 सेकेंड, तो मेरा वेलोसिटी कितना आ रहा है? 10/1, दैट इज़ 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक बातें क्लियर है? सिमिलरली वी टू वेलोसिटी निकालेंगे, जब यहाँ से यहाँ तक पहुँचा तब मेरा वेलोसिटी कितना था? अगेन मैं यहाँ से यहाँ इस तरफ जा रहा हूँ, डायरेक्शन मेरा पॉजिटिव रहेगा। अभी मैं कहाँ पे हूँ? जब मैं अभी मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ, ठीक है, अभी मैं यहाँ से यहाँ जाने वाला हूँ, तो मेरा पोजीशन अभी जब मैं यहाँ पहुँचा सी में, तो मेरा पोजीशन कितना हुआ? 20 मीटर हुआ। पहले कहाँ पे था मैं? 10 मीटर वाले पोजीशन पे था, डिवाइडेड बाय अभी टाइम कितना हुआ जब मैं सी में पहुँच गया? 2 सेकेंड। पहले टाइम कितना था? 1 सेकेंड। तो यहाँ करेंगे कितना आएगा? 10/1, अगेन 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी है तो मुझे यहाँ पे डायरेक्शन लिखना पड़ता है कि दोनों इस तरफ जा रहे हैं। यहाँ तक बातें क्लियर है? तो आप चाहो तो V3 भी निकाल सकते हो, V3 भी आपका सेम इसी तरह आने वाला है जो आपका +10 मीटर पर सेकेंड आने वाला है। यहाँ तक बातें क्लियर है? अब हम निकालना चाहते हैं एक्सीलरेशन, ठीक है। तो एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है कि आपका वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है। तो मैं फर्स्ट एक्सीलरेशन निकालने वाला हूँ, ये जो इंटरवल ऑफ टाइम है यहाँ पर जो वेलोसिटी चेंज हो रहा है। आया बात समझ में? अब अगर आप देखो तो यहाँ तक क्या था, जस्ट इस पॉइंट तक वेलोसिटी था 10 मीटर पर सेकेंड। जैसे ही 1 सेकेंड पार हुआ यहाँ पे कितना आ गया? यहाँ पे भी 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक बातें क्लियर है? आप कोई भी इंटरवल में वेलोसिटी निकाल सकते हो, ठीक है, चाहे तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक के इंटरवल में निकाल सकते हो, या ए वाले से लेके ए वाले तक निकाल सकते हो। तो फर्स्ट मैं यहाँ से इस इंटरवल में मैं वेलोसिटी एक्सीलरेशन निकालता हूँ, ठीक है। तो लेट्स से एक्सीलरेशन 1 यहाँ पे, तो एक्सीलरेशन 1 कितना होगा आपका? अभी इनिशियल वेलोसिटी जब यहाँ पे बॉडी पड़ा हुआ था, यहाँ पे जब रेस्ट पे था, जब वो चलना शुरू किया, टाइम इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी भी कितना था आपका? 0 था। ये बातें आपको समझ आता है? अब देखो जब मैं यहाँ पे वेलोसिटी निकालूंगा इस दौरान, ठीक है, इस दौरान जब मैं वेलोसिटी निकालूंगा, तो फाइनली इनिशियली मेरा वेलोसिटी जब मैं यहाँ पे था इस तरह रेस्ट पे था तो वेलोसिटी 0 था। अब मैं जब यहाँ तक आ गया मेरा वेलोसिटी कितना था तब? 10 मीटर पर सेकेंड था। तो कैसे लिखेंगे? फाइनल ऐसे लिखते ना, फाइनली कितना है?
फाइनल वेलोसिटी कितना है, इनिशियली कितना था, अपॉन अभी टाइम कितना है, अभी टाइम कितना है फाइनली, और पहले टाइम कितना था। ये बातें क्लियर है? तो फर्स्ट एक्सीलरेशन निकालेंगे, जब मैं यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया तब मेरा वेलोसिटी यहाँ पे कितना v1 था, कितना था 10 मीटर पर सेकेंड। पहले मेरा वेलोसिटी कितना था, ज़ीरो था क्योंकि मैं रेस्ट पे था, डिवाइडेड बाय फिर से फाइनली टाइम यहाँ पे कितना हो चुका है 1 सेकेंड। पहले टाइम जब मैं यहाँ पे था 0 सेकेंड था, तो कितना आ रहा है आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन आ रहा है। ये बातें क्लियर है? सिमिलरली a2 भी निकाल सकते हो आप। a2 एक्सीलरेशन यहाँ पे कितना होगा, a2 के लिए मैं यहाँ पे ऑलरेडी पहुँच चुका हूँ, अब मैं यहाँ से यहाँ ट्रैवल करने वाला हूँ। क्या बातें क्लियर है? मैं यहाँ से यहाँ ट्रैवल करने वाला हूँ। तो जब मैं इस पॉइंट पे था तब मेरा वेलोसिटी कितना था, ये देखो एक बार, मेरा वेलोसिटी कितना था जब मैं इस पॉइंट पे था, मेरा वेलोसिटी कितना था, दैट वॉज यहाँ पे v1 कितना था। अच्छा, फाइनली मेरा वेलोसिटी अभी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। डन। इनिशियली जब मैं यहाँ पे था तब मेरा वेलोसिटी कितना था, 10 था। अभी टाइम कितना हो चुका है, 2। पहले टाइम कितना था, अभी पहले टाइम 1 सेकेंड का था जब मैं यहाँ पे था। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन आ रहा है कि मैंने यहाँ पे एक्सीलरेट नहीं किया। मैंने देखो यार, यहाँ पे क्यों नहीं दिखा रहा है एक्सीलरेशन, बातों को समझना। यहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो था, ज़ीरो से मैंने 10 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी को गेन करवाया, उसके बाद मैं कंटिन्यूस वही 10 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल कर रहा हूँ ना, तो एक्सीलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी को गेन करवाना। मैंने ज़ीरो से लेके यहाँ तक वेलोसिटी ज़ीरो था, रेस्ट में था, वहाँ से मैंने इसको 10 मीटर पर सेकेंड में मूव करवाना शुरू करवाया, ठीक है? तो वहाँ पे इसलिए एक्सीलरेशन आया था। उसके बाद यहाँ पे एक्सीलरेशन नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे भाई जितना वेलोसिटी के साथ है उतने के उसके साथ ही चल रहा है ना, वो दिख रहा है ना। यहाँ पे वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड था, यहाँ पे भी 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब मैंने एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाला। लेकिन हाँ, मैंने यहाँ पे डाला था, यहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो था, मैंने उसको उठा के 10 मीटर पर सेकेंड बनाया, तो मैंने यहाँ पे एफर्ट डाला था, तो वहाँ पे इसलिए एक्सीलरेशन आ रहा है कितना 10 मीटर का। लेकिन इस वाले पार्ट पे एक्सीलरेशन नहीं आ रहा है। यहाँ तक बातें क्लियर है? डन। और कल मैंने आपको बताया था एक यूनिफॉर्म मोशन का, ये इस तरह जो मोशन होता है इसको यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। सब बातें भी क्लियर है ना? तो यहाँ पे पहले एक्सीलरेशन का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। चलो, तो एक्सीलरेशन ये हमारा क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज फाइनल वेलोसिटी क्या है और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनका माइनस कर लेंगे। यहाँ पे हम वही कर रहे थे, डिवाइडेड बाई फाइनल टाइम कितना है माइनस आपका इनिशियल टाइम कितना था, जब आपने शुरू किया तब टाइम क्या था। तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, इसको मैं डेल वी लिख सकता हूँ। टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, इसको मैं डेल टी लिख सकता हूँ। तो ये होता है आपका एक्सीलरेशन का फॉर्मूला। क्या निकल के आता है, डेल वी अपॉन डेल टी, दैट इज वेलोसिटी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये बातें क्लियर है? अब देखो, ये जो मैंने ग्राफ बनाया, एक इसका है आपका यूनिफॉर्म मोशन का है। याद रखना एक टिप है। टिप क्या है, जब यूनिफॉर्म मोशन होता है ना, जब यूनिफॉर्म मोशन होता है आपका, तो उसमें वेलोसिटी भी क्या होता है, वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म होता है। बातें क्लियर है? वेलोसिटी यूनिफॉर्म होता है। जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहेगा तो आपका एक्सीलरेशन भी यूनिफॉर्म होता है। इसमें आया बात समझ में? वेलोसिटी यूनिफॉर्म तो एक्सीलरेशन भी यूनिफॉर्म होता है। और मैंने आपको जब बना के दिखाया था, तो अगर आपको याद हो तो मैंने यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसे बनाया था, एक्स था यहाँ पे, टी था, कुछ मैंने ऐसे स्ट्रेट लाइन बना दिया था। अगर आप ऐसे स्ट्रेट बनाओ तब भी वो स्ट्रेट है, अगर आप यहाँ से ऐसे स्ट्रेट बनाओ तब भी वो स्ट्रेट लाइन ही है। ये बातें क्लियर है? इसके पैरेलल में ही तो है ना ये चीज़। तो डन, ये होता है पोजिशन टाइम ग्राफ। तो यहाँ पे मैं कुछ आपको दिखाने वाला हूँ आपका एक्सीलरेशन के बारे में। डन। तो पहले हम लोग मानते हैं कि ज़ीरो एक्सीलरेशन है, ठीक है? ज़ीरो एक्सीलरेशन मतलब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो अगर आप देखो, ये क्या था आपका, यूनिफॉर्म मोशन का था। डन। यहाँ से लेके यहाँ तक आने में कुछ एक्सीलरेट हुआ था, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, कंटिन्यूस चल रहा है। तो आप याद रखोगे, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ एक्सीलरेशन था, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, कंटिन्यूस चल रहा है ना। तो ये अगर इस तरह आपका एक ग्राफ बन रहा है, सीधा ऐसा एक स्ट्रेट ग्राफ बन रहा है, तो आप याद रखोगे यहाँ पे एक्सीलरेशन ज़ीरो होता है, यहाँ पे एक्सीलरेशन ज़ीरो होता है, ठीक है? मतलब a इज इक्वल टू ज़ीरो। और हमने यहाँ पे करके भी देखा था, इनिशियल फर्स्ट गैप में, फर्स्ट ज़ीरो टू टी सेकंड में कुछ एक्सीलरेशन रहेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, एकदम सीधा चलते रहेगा, मतलब यहाँ पे एक्सीलरेशन ज़ीरो है, चेंजेस कुछ नहीं आएगा। डन। इसी को हम यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन बोलते हैं, ठीक है? इसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ये बातें क्लियर है? अब देखो दूसरा केस क्या होता है आपका, नेगेटिव एक्सीलरेशन, ठीक है? इसी में मैं आपको, अच्छा इसमें बनाता हूँ नेगेटिव एंड पॉजिटिव एक्सीलरेशन। अगेन ये पोजिशन टाइम ग्राफ में मैंने बनाया, ठीक है?
आप देखो, आप एक्सीलरेशन, वेलोसिटी सारे चीज़ों के लिए पोजिशन टाइम ग्राफ को बनाते हो और उसी को देख के आप पता करते हो एक्सीलरेशन क्या है, वेलोसिटी क्या है। यहाँ पे एक्सीलरेशन जीरो आया, वेलोसिटी क्या था यहाँ पे? अगर मैं इसी ग्राफ को देख के बता आपसे पूछूँ वेलोसिटी क्या था इसमें, आप बोलोगे वेलोसिटी यूनिफॉर्म था। वेलोसिटी क्या था? यूनिफॉर्म था, बराबर दिख रहा है ना यहाँ पे, तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म आया था ना, 10 मीटर पर सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन एक्सीलरेशन क्या है? जीरो है। ये बातें क्लियर है? अब हमें बात करना है एक, वो है तुम्हारा नेगेटिव एक्सीलरेशन एंड पॉजिटिव एक्सीलरेशन, डन है? तो पहले पॉजिटिव एक्सीलरेशन को समझो। पॉजिटिव एक्सीलरेशन का मतलब होता है जिसमें डिस्टेंस ज़्यादा ज़्यादा जल्दी कवर करेगा। देखो इनिशियली कुछ ऐसा बनता है आपका पॉजिटिव एक्सीलरेशन का ग्राफ, अगर ऐसा कर्व है ना, तो ये क्या होता है आपका पॉजिटिव एक्सीलरेशन होता है। क्या होता है आपका पॉजिटिव एक्सीलरेशन, मतलब ए इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। इसमें क्या हो रहा है, अगर आप देखो वक्त के साथ डिस्टेंस 1 सेकेंड था, ये 2 सेकेंड 3 सेकेंड, दिख रहा है ना कितना ज़्यादा जल्दी जल्दी वो डिस्टेंस को कवर कर रहा है, दिख रहा है ना स्लोप कितना जल्दी जल्दी डिस्टेंस को कवर कर रहा है। तो ये क्या हो गया आपका पॉजिटिव एक्सीलरेशन। अब बारी आता है नेगेटिव एक्सीलरेशन। तो नेगेटिव एक्सीलरेशन में डिस्टेंस कम होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर इनिशियली इसको फेंकूँ, इस पेन को अगर मैं ऊपर फेंकूँ फिर नीचे आ जाएगा, दिख रहा है? अगर मैं यहाँ से ज़ीरो मानूँ, अगर मैं पोजिशन इसका यहाँ पर ज़ीरो मानूँ, फिर अगर मैं इसको ऊपर फेंकूँ तो फिर नीचे आ जाता है ना। जब वो नीचे आता है तो इसको एक्सीलरेशन करता है। कौन एक्सीलरेशन करता है? ग्रेविटी करता है, लेकिन नेगेटिव में करता है। तो आपका नेगेटिव एक्सीलरेशन का ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा, इनिशियली मैंने इसको ऊपर फेंका तो टाइम के साथ इसका पोजीशन ऊपर जा रहा है, लेकिन कुछ एक टाइम के बाद क्या होता है फिर से नीचे आने लग जाता है। तो ये जो ग्राफ बना आपका, ये जो मैंने ब्लू कलर से जो ग्राफ बनाया कि मैंने इनिशियली फेंका तो ऊपर पोजीशन में जा रहा था, फिर थोड़ी देर बाद नीचे आने लग गया, तो ये जो ग्राफ है आपका, ये कौन सा ग्राफ है आपका? नेगेटिव एक्सीलरेशन का ग्राफ है। यहाँ तक बातें क्लियर है? ये आपका किसका ग्राफ है? नेगेटिव एक्सीलरेशन का ग्राफ है, डन। अब देखो, और अगर आपसे कोई पूछे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है, जिसमें एक्सीलरेशन चेंज ना हो रहा हो, जैसे जीरो एक्सीलरेशन, ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म, ये दोनों हैं जिसमें हर वक्त आपका एक्सीलरेशन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये दोनों केसेस, ये जो दोनों ग्राफ है, एक किसका है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। क्या है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। क्यों? क्योंकि इसमें एक्सीलरेशन चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। WRT का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ तक बातें क्लियर है? इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। क्या बोल देंगे इसको? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब इसको हम यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्यों बोलेंगे? बिकॉज कि यहाँ पे एक्सीलरेशन नॉट चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये बातें क्लियर है? यहाँ पे एक्सीलरेशन चेंज नहीं होता है टाइम के साथ। और एक कंडीशन क्या है, यहाँ पे हम लोग जो 0 से 1 सेकंड का था ये वाला गैप को नहीं लेते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सीलरेशन चेंज होता है, डन है? उसके बाद चेंज नहीं होता है, उसके बाद कंटिन्यूस रहता है। तो ये होता है आपका यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का। यहाँ तक बातें क्लियर है? नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन को। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।